साथियों, चौथे दौर के मतदान के बाद और जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो गौर करने लायक है। कल तक कांग्रेस के नामदार कहते थे कि वो मोदी, मोदी के प्रभाव को और मोदी के ऑरा को, इस ऑरा से डरते हैं। अब वो खुलकर कहने लगे हैं कि वो मोदी से तब तक नहीं जीत सकते जब तक मोदी की मेहनत, मोदी की ईमानदारी और मोदी की भारत भक्ति पर दाग नहीं लगा सकते। उत्तर प्रदेश के साथियों, अब आपको समझ आ रहा होगा कि पिछले तीन साल से जो झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, रोज नए झूठ गढ़े जाते हैं, रोज मोदी पे कीचड़ उछाला जाता है, उसका मकसद क्या है? एक झूठ का पुलिंदा बना दिया, उसको राफेल नाम दे दिया और झूठ बोलते गए, जहां गए जितना जोर से बोल सके, मोदी की छवि खराब करना। मुझे पानी पी पी कर गालियां देने के बाद जब ये लोग मुझ तक नहीं पहुंच पाए तो अब मेरी छवि को कुचलना चाहते हैं। नामदार, कान खोल करके सुन लो, ये मोदी सोने की चमच लेके पैदा नहीं हुआ है, ये मोदी राज परिवार में पैदा नहीं हुआ है, ये मोदी भारत मां की धूल फाक फाक करके बड़ा हुआ है, ये मोदी 5 दशक तक बिना रुके, बिना थुके, कभी थके बिना एक निष्ठ, एक लक्ष्य, सिर्फ और सिर्फ भारत माता, उसके लिए जिया है, उसके लिए तपस्या करता रहा है। 5-50 इंटरव्यू देकर के, टीवी स्क्रीन पर आकर के गालियां देकर के 50 साल की मोदी की तपस्या को तुम धूल में नहीं मिला सकते। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था, गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार, यह अहंकार आपको खा जाएगा, यह अहंकार आपको छोड़ेगा नहीं। ये देश गलतियां माफ करता है, ये देश धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता है। लेकिन इन लोगों ने, भाइयों बहनों, ये नामदार ने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन मजबूरन आज मुझे सुनाना पड़ रहा है। कभी मुझे डर लगता है कि सुनाते समय कहीं मेरे भीतर कोई अहंकार ना आ जाए, लेकिन मैं तो आपके चरणों में समर्पित हूं और इसलिए आपकी तरफ से
आपकी तरफ से सुनाना चाहता हूं। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। भाइयों और बहनों, मुझे गिराकर मेरी छवि खराब करके ये लोग देश में अस्थिर सरकार, मजबूर सरकार बनाना चाहते हैं। अरे महामिलावट करने वालों, जिस चौकीदार के प्रचार के लिए दल नहीं देश की जनता चल पड़ी है, उत्तर प्रदेश की जनता सड़कों पर निकली हुई है, जिस चौकीदार के साथ उत्तर प्रदेश की माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद हो, जिस चौकीदार के लिए युवाओं ने ठान लिया हो कि एक भी वोट बेकार नहीं जाने देंगे, उसे गिराने के, हराने के सपने देखना छोड़ दीजिए। साथियों, मेरे खिलाफ हो रही इन साजिशों के बीच उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अमेठी के लोगों को मजबूत भारत के लिए, मजबूत सरकार के अपने संकल्प पर अड़िग रहना है।